जीवन में अपने आप को कभी टूटने मत देना, क्योंकि भगवान ने ऐसी कोई व्यर्थ की वस्तु नहीं बनाई है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भगवान कृष्ण की कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे ऐसी कामना करता हूँ। ऐसा कौन है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, सभी के जीवन में होती हैं। इस मैसेज को ध्यान से सुनिएगा, आपके अंदर एक जुनून भर देगा। ये मैसेज आपको पॉजिटिव वेव्स की तरह काम करेगा, आपकी बहुत सारी समस्याएं शायद शांत हो जाए, आपका मन शांत हो जाए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जीवन में अपने आप को कभी टूटने मत देना, क्योंकि भगवान ने ऐसी कोई व्यर्थ की वस्तु नहीं बनाई है। अगर आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आपके जीवन में वो नहीं हो पा रहा है जो आप चाहते हैं, तो इसके पीछे यूनिवर्स का कोई ना कोई विशेष कारण है। आप यूं ही नहीं आए हैं, किसी कारण को लेकर आए हैं। शायद आप किसी वादे को पूरा करने आए हैं, या किसी कर्तव्य को पूरा करने आए हैं, या वो कर्मों का पिछला हिसाब उसे पूरा करने आए हैं। इसलिए निराशा को छोड़ दीजिए। जो चल रहा है वो सही हो रहा है, जो पास्ट में हुआ था वो भी सही हुआ था, और जो होगा भविष्य में वो भी सही होगा, क्योंकि आपसे बेहतर यूनिवर्स के डिसीजन होते हैं। भगवान की सोची समझी एक प्रक्रिया होती है, हम अपने अनुसार चलाना चाहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड को, जबकि हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते हैं। दिन कभी एक जैसे नहीं रहते। अगर आज समस्याएं हैं तो कल खत्म हो जाएंगी, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। कभी भी आपकी समस्याएं एक जगह टिकाऊ नहीं रह सकती, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगी। आप अगर मन से चिंतन करते हैं किसी चीज को पाने के लिए, तो यूनिवर्स वही चिंतन करता है आपसे उस वस्तु को मिलाने के लिए। यूनिवर्स बिल्कुल वैसे ही योग बनाता है जिस वस्तु को जैसे आप पाना चाहते हैं, लेकिन आप बिल्कुल अपने अनुसार पाना चाहते हैं। पर यूनिवर्स को आपके अलावा और लोगों को भी देखना है। हो सकता है यूनिवर्स की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो, लेकिन आपको अपने मन चाहे फल और मन चाही मंजिल जरूर मिलेगी। यकीन मानिए, यूनिवर्स के निर्णय कभी गलत नहीं होते। दूसरों को दोष देने से पहले एक बार खुद के बारे में सोचें, एक बार अपने गृहमान में जरूर झांकें। हमारे खुद के कर्मों का ही प्रतिफल ये हमारा जीवन है। अगर आज हम दुखी हैं, अगर परेशान हैं, या कोई रिश्ता टूट गया है, तो उसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। सब हमारे कर्मों का खेल है, हमारे प्रारब्ध का खेल है। इसलिए कर्म पर विशेष ध्यान रखिए। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आपके सिर्फ सोचने से कुछ होगा, तो आप गलत हैं। क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जो लोग नियति के सहारे बैठे रहते हैं, अर्थात जो यूनिवर्स पर निर्भर होकर बैठे रहते हैं और स्वयं कुछ नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते, ऐसे व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ असफलता पाते हैं। इसलिए उठिए और आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए। हम सब स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आध्यात्मिकता की जर्नी में चल रहे हैं, और हम जीवन को एक नए तरीके से अनुभव कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपकी ये जर्नी सफल हो, और बहुत जल्द सफल हो। आप जीवन को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए। जीवन हमें काटने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि जीवन एक आनंद पूर्वक जीने के लिए दिया गया है।